सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन, सिंगापुर की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, पीएम लॉरेंस वॉन्ग और मोदी की मुलाकात। सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एईएम का किया दौरा, भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का हुआ करार। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री जयश जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे, एशिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्र से कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा से दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को मिलेगी मजबूती, साउथ चाइना सी म्यांमार जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनीज को 11 से 13 सितंबर 2024 तक भारत के ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम, क्लब थ्रो में धर्मवीर ने गोल्ड और प्रणव सूरमा ने सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास। पेरिस पैरालंपिक में तिरंजनदाज हरविंदर सिंह ने किया कमाल, गोल्ड पर साधा निशाना, 5 गोल्ड 9 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदकों की संख्या हुई 24। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी रच रहे हैं एक के बाद एक नए कीर्तिमान, पुरुषों की शॉर्ट फुट F46 प्रतियोगिता में सचिन खिलारे ने जीता रजत पदक। प्रधानमंत्री मोदी ने हरविंदर सिंह को दी जीत की बधाई, तीरंदाजी में हरविंदर की सटीकता, फोकस और भावना को बताया शानदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरविंदर सिंह को दी जीत की शुभकामनाएं, भारी दबाव में असाधारण प्रदर्शन सबके लिए प्रेरणादायी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है अर्जी। उद्धव बनाव शिंदे शिवसेना विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समेत 39 एमएलए को जारी किया था नोटिस। पूजा खेड़कर की जमानत की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस ने खेड़कर मामले में कई नए स्टेटस रिपोर्ट की है दायर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई के मामले में रॉस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट सीबीआई के दाखिल चार्जशीट के आधार पर सुना सकती है फैसला। कोलकाता कांड के विरोध में लोगों ने घर दुकानें की बंद, भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने शाम बाजार इलाके में निकाली विरोध रैली। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल इलाके में बीती रात 9 बजे विरोध के प्रतीक के रूप में बंद की गई लाइट्स, कैंडल जलाकर इंसाफ की उठाई गई मांग। कोलकाता मामले में विरोध के प्रतीक के रूप में राजभवन में भी ब्लैकआउट, राज्यपाल ने सीबी आनंद बोस ने कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन। आरजीकर मामले में हो रही कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का फूटा गुस्सा, कैंडल मार्च कर बुलंद की इंसाफ की आवाज। कोलकाता मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कैंडल मार्च कर किया विरोध। डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार, कहा यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, बीजेपी कर चुकी है साफ। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने प्रोटेस्ट को बताया समाज का आंदोलन, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे बंगाल का ध्यान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत कुछ होगा तय। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, सीबीआई को केस ट्रांसफर करने का मामला। कोलकाता कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मामले में लिया था स्वतः संज्ञान, पिछली सुनवाई में बंगाल सरकार को बंद लिफाफे में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। गृह मंत्रालय की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, बंगाल सरकार के असहयोग को लेकर गृह मंत्रालय ने लगाया था आरोप।